Hello everyone, I'm Dr. Shweta Amit Bhandari. I welcome you all to this 11 days gratitude challenge of ours. Aaj hai day 5. I hope ki aap logo ne sare charo din ko enjoy kiya hai acche se, and that I can see by your different posts and images in the community. I'm really enjoying it in the fullest. Aur mujhe pata hai ki aap log bhi enjoy kar rahe ho, jo ki aapke expression mein dikhta hai. So today is day 5 of our gratitude challenge. So, जैसे हम लोगों ने पहले दिन किया था gratitude to life, second was gratitude to the ecosystem, फिर उसके बाद हम लोगों ने किया था gratitude to the element that gives you life, जैसे food and water, उसके बाद था gratitude to health, जो हम लोगों ने कल किया. Now today is day 5, that is gratitude to the work. जैसे आप देखोगे ये pandemic में अगर health के बाद कोई sector अगर suffer किया है तो that is your work. है ना कोई वे में कोई लोग घर से काम कर रहे हैं, कोई लोगों का काम रुक गया है, कोई लोगों की शॉप्स बंद है, कोई लोगों की शुरू है बट उतना इफेक्टिवनेस नहीं है जितना होना चाहिए, किसी की जॉब छूट गई है, किसी का वे ऑफ वर्किंग ही पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया है. सो टुडे इज द डे टू फील ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स वर्क, कि एटलीस्ट आपके पास कुछ है करने के लिए. सो टुडे इज द डे टू सेलिब्रेट इट, जस्ट बिकॉज कि आज हम लोगों को उस वे उस सेक्टर में सफरिंग फील हो रही है तो आज हमको उसका इम्पोर्टेंस फील हो रहा है. बट आई वॉन्ट यू टू आस्क कि सच्ची में डू यू लव योर वर्क. वंस यू वॉन्ट टू फील ग्रैटिट्यूड फॉर योर वर्क, तो पहले क्या आप अपने वर्क से प्यार करते हो? What you are doing right now is going to be effective for where you want to be in 5 years from now. And where you are right now is the result of what you did 5 years ago. यानी क्या कि आप जो आज कर रहे हो उसका आउटकम आपको तब दिखेगा 5 साल के बाद, जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसके फॉर्म में आपको वो दिखेगा जो आप आज कर रहे हो. सिमिलरली आज का जो ये रिजल्ट आपके सामने आज जो आप कर रहे हो इज नथिंग बट द रिजल्ट जो आपने 5 साल पहले किया था. तो इसीलिए डू यू लव योर वर्क, जो आज आप कर रहे हो ये एक सिर्फ जो हम लोग बोलते हैं ना 9 to 7 जॉब है, कि सच्ची में आप उसको पैशनेटली प्यार करते हो तो उसका आउटकम आपको उसी फॉर्म में दिखेगा. डू यू लव योर वर्क? जैसे आप देखोगे कि हमारा जो मेजर वर्क, जो हम लोग बोलते हैं ना बेस्ट वर्क पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे होता है, कि वहाँ की टेक्नोलॉजी भी बेस्ट है, वहाँ के लोग भी उतना इफेक्टिवली मेहनत करते हैं, वहाँ का आउटकम भी उतना अच्छा है, वहाँ के सारे लोग उसी वे में प्यार काम करते हैं कि वो अपनी वर्क को प्यार करते हैं. तो आप देखोगे द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द बेस्ट वर्किंग कंट्री इज नॉट चाइना बट जापान. जापान में अगर आप देखोगे कि बहुत सारे आप जो देखोगे ना बेस्ट बेस्ट चीजें, आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बोलो या हर एक फील्ड की अलग अलग चीजें अगर आप देखोगे, गाड़ी बोलो, तो आपको वो कहीं ना कहीं उससे कोई ना कोई पार्ट्स तो पक्के जापान से ही मिलते होंगे. सो द बेस्ट पार्ट, और क्यों जापान में ऐसा सब कुछ है, तो एक रिसर्च की थी, एक बुक है इकिगाय करके, उसमें उन्होंने एक प्लेस के बारे में बताया है, ओकिनावा. ये एक प्लेस है जापान में जहाँ के लोग कभी रिटायर नहीं होते. क्यों रिटायर नहीं होते? क्योंकि वो अपने वर्क से इतना ज्यादा प्यार करते हैं और वो अपने लाइफ के एंड तक एक हैप्पी और एक पीसफुल लाइफ जीते हैं, जस्ट बिकॉज दे लव एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग. नाउ व्हाट, व्हाई दे डू नॉट रिटायर, ये जो एक बुक है इसमें इसके बारे में दिया गया है कि व्हाट इज इकिगाय. इकिगाय यानी क्या, कि जैसे हम लोग कुछ लोग काम करते हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो क्यों काम कर रहे हैं, तो एक लेवल के बाद क्या होता है, हमको सैड फील होता है, हमको फ्रस्ट्रेशन आता है, हमको जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना उसका आउटकम नहीं मिल रहा है. वहीं पे जापानीज का एक फॉर्मूला है, रीजन फॉर लिविंग. तुमको पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो. जब तुमको ये पता है तो अपने आप से आपका इफेक्टिवनेस काम की तरफ चेंज हो जाता है, अपने आप से आपको उस तरीके के रिजल्ट दिखते हैं और आप खुश रहते हो. जैसे हम लोग स्कूल से पास आउट होते हैं तो हम लोग एक जॉब लेते हैं, जब हम लोग कोई वर्क करना चाहते हैं तो अलग अलग लोग हमको एडवाइस देते हैं कि डू दैट वर्क विच यू लव, या तो आप ऐसा काम कीजिए जिसमें आप बेस्ट हो, या तो आप ऐसा काम कीजिए जिससे आपको पैसे मिलते हो, या आप ऐसा काम कीजिए जो दुनिया को हेल्प करेगा, दुनिया को चेंज करेगा, राइट? तो ये सारी जो एडवाइस है इट इज वन फॉर्म ऑफ रॉन्ग एडवाइस. अभी इकिगाय का बोलना ये है कि यू हैव टू वर्क ऑन अ सिंगल थिंग जिसमें ये चारों चीजें आती है, एंड दैट बिकम्स योर इकिगाय. यानी क्या, फर्स्ट इज द थिंग्स यू लव,
ठीक है, एक लिस्ट बनाइए, एक लिस्ट उन चीजों की जिससे आप प्यार करते हो, जो करने में आपको बहुत मजा आता है, जिस चीजों से, जिस काम से आप प्यार करते हो. नेक्स्ट इज मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स व्हाट यू आर गुड एट, यानी आप किस में बेस्ट हो, आप क्या करने में बेस्ट हो, उनकी एक लिस्ट बनाइए. फिर उसके बाद एक लिस्ट बनाइए व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, यानी जिससे आपको पैसे मिलेंगे, ऐसी कुछ चीजों की लिस्ट बनाइए. उसके बाद आप लिस्ट बनाओगे ऐसी चीजों के व्हाट द वर्ल्ड नीड्स. अभी इनके सेंटर में जो चीज आती है, जो सब जगह पे आपको कॉमनली फ्लोटिंग दिखेंगी, दैट इज योर इकिगाई, दैट इज योर रीजन फॉर लिविंग. और अगर आप वो करते हो तो अपने आप से आपके वर्क में उसका इफेक्टिवनेस दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसको डिजिटल चीजें बहुत पसंद है, जैसे आप लोग अभी वो व्हाइट हैट जूनियर की अलग अलग डिजिटल ऐप बनाने की जो चीजें है या सिखाने वाली जो साइट्स है उनके बारे में सुन रहे हैं. तो जैसे समझो कोई बच्चे, एक एग्जाम्पल लो, एक बच्चे को डिजिटल चीजों के बारे में पढ़ना, उनमें स्क्रोल करना बहुत पसंद है, ठीक है, दैट ही लव्स. और अगर वो उसमें स्किलफुल हो जाता है, अपने आप को ट्रेन करता है, तो वो क्या बन जाएगा, वो उसका पैशन बन जाएगा. अगर वो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन बना लेता है वो स्किल के साथ, और फिर वो उससे, उसकी वजह से उसको पैसे मिलते हैं, तो वो उसका बन जाएगा प्रोफेशन. और उसके बाद उसने जो एप्लीकेशन बनाया उसकी वजह से अगर वर्ल्ड में कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो बन जाएगा उसका वोकेशन. सिमिलरली अगर वर्ल्ड में कुछ चेंजेस आते हैं और उसको उसका पैशन भी फॉलो करने मिल रहा है, उसकी वजह से उसको पैसे भी मिल रहे हैं, तो इनडायरेक्टली उसको अपना एक लाइफ का मिशन समझ में आएगा जिसके ऊपर वो लाइफ लॉन्ग वर्क कर पाएगा. तो दिस इज व्हाट इज इकिगाई अबाउट. फॉर एग्जाम्पल आप ले लो ब्लॉगिंग को. ब्लॉगिंग यानी क्या, कुछ चीजें लिखना जो इंटरनेट पे लोग चीजें लिखते हैं, राइट. तो कौन सी चीजें हम लोग लिखते हैं कि जो हमको पसंद है, राइट. फिर अगर आपको जो चीजें पसंद है, अगर आप वो लिखते हो, ब्लॉग्स आप लिखते हो, और आप उसमें और खुद को ट्रेन करते हो कि मैं बेस्ट से बेस्ट वर्ड्स कैसे यूज कर सकूं, मैं और क्या पढ़ूं कि मेरे और ब्लॉगिंग सेक्शन में मेरे को और अच्छी अच्छी चीजें एड ऑन होती आएगी, मैं किस चीज के बारे में रिसर्च करूं, मैं किस चीज के बारे में डॉक्यूमेंटेशन करूं, ये जब आप करते हो, खुद को उसमें बेस्ट बनाते हो, तो इनडायरेक्टली आपका लव कन्वर्ट हो जाएगा पैशन में. फिर अगर आपके ब्लॉग्स के ऊपर बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे व्यूज मिलते हैं, तो इनडायरेक्टली यू गेट पेड फॉर इट, तो वो आपका प्रोफेशन बन जाएगा. जब उस ब्लॉगिंग की वजह से दुनिया में कुछ चेंजेस आएंगे, तो वो आपका वोकेशन बन जाएगा. और इन सब पे से आपको आपका मिशन रियलाइज होगा कि आपको लाइफ में एग्जैक्टली क्या करना है, और वो जब आप करोगे तो आप एक फुलफिल्ड लाइफ जी पाओगे, दैट इज इकिगाई. फिर वो ब्लॉगिंग आपका इकिगाई बन जाता है. एक एग्जाम्पल लीजिए सचिन तेंदुलकर का, राइट. सचिन तेंदुलकर को क्या पसंद था, क्रिकेट पसंद था. तो उन्होंने उसके बारे में और स्किलफुली वर्क किया, तो वो उनका पैशन बन गया. फिर जब वो उसके लिए पेड होने लग गए, तो उनका वो प्रोफेशन बन गया. जब वो लोगों को मजा आने लगा उनका क्रिकेट देख के, इंडिया को उसकी वजह से सक्सेस मिलने लग गई, तो वो उनका वोकेशन बन गया. उससे उनको उनका मिशन समझ में आया कि आई हैव टू प्ले क्रिकेट, तो वो उनका इकिगाई था. सिमिलरली अगर आपको आपका इकिगाई पता चलता है, तो क्या होता है, जिनको भी इकिगाई पता है, तो उनमें क्या चेंजेस आपको दिखाई देंगे, वो एक फ्लो स्टेट में जाते हैं. फ्लो स्टेट यानी क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं ना काम में खो जाना, तो कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो है ना वेट करते हैं कि सैटरडे संडे कब आएगा ताकि मुझे ब्रेक मिले, मेरा टाइम शेड्यूल कितना छोटा हो सके ताकि मैं टाइम स्पेंड कर सकूं खुद के ऊपर, या कब ये काम खत्म होगा, या मेरे को ब्रेक कब मिलेगा, या ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज है जिससे एक्सक्यूज निकाल सके, जिससे ये काम से निकल सके. वही जो लोगों को इकिगाई पता रहता है, जो वो अपने काम को प्यार करते हैं, उसमें स्किल्ड है, उसकी वजह से उनको पैसे मिल रहे हैं, उसकी वजह से दुनिया को हेल्प हो रही, तो इनडायरेक्टली वो एक फ्लो स्टेट में चले जाते हैं, वो उसमें खो जाते हैं. उनको ना टाइम का समझ में आता है, ना खाने पीने का समझ में आता है, ना रिलेशनशिप का, ना बाकी चीजों का. इनडायरेक्टली अगर आप अपनी इकिगाई पे वर्क करते हो, तो इनडायरेक्टली आप एक फ्लो स्टेट में चले जाते हो. और अगर आप फ्लो स्टेट में हो, तो अपने आप से आपके रिजल्ट, इफेक्टिवनेस आपके बिजनेस में दिखाई देंगे, एंड दैट विल गिव यू सक्सेस, देन यू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. जैसे कुछ अगर आपने सक्सेसफुल स्टोरी पढ़ी होगी, तो उनको भी पता था कि उनको लाइफ में क्या करना है, इसीलिए वो चीज में उतना इफेक्टिवनेस ला पाए और सक्सेसफुल बन पाए. अगर आप देखोगे स्टीव जॉब्स ने एक बार सोनी की इंडस्ट्री को विजिट किया था जापान में, तो उन्होंने देखा कि वो इंडस्ट्री इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वहां के हर पर्सन को पता है कि वो क्या कर रहा है और वो क्यों अपनी लाइफ में वो चीज को फॉलो कर रहा है. तो उसका इफेक्टिवनेस, हर एक एम्प्लॉय का इफेक्टिवनेस तुरंत उनके काम में दिखता है, एंड दैट कंपनी become successful. Similarly, of Miyazaki, the person जो animation के world में
बहुत बड़ा नाम है, ही इज अ प्रोड्यूसर, और वो अलग अलग चीजें एनिमेशन में जब बनाते हैं तब वो उसमें इतना ज्यादा खो जाते हैं बिकॉज वो बनाना ही उनका इकिगाय है। और इकिगाय जब आपको पता रहता है तो इकिगाय कैसे समझ में आएगा कि आप ना थकते हो, आप उसमें खो जाते हो और आपको वो चीज पसंद है, वो आपका पैशन है, प्लस उसकी वजह से आपको पैसे मिलते हैं और दुनिया को उसकी हेल्प होती है। तो दिस ऑल कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट इकिगाय। जैसे मदर टेरेसा पूरी लाइफ वो लोगों को सर्व करते रहे, वो उससे कभी थके नहीं। सिमिलरली महात्मा गांधी, जिनको स्वराज चाहिए था तो वो उसके लिए कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहे। अभी आपने देखा है उनके, अगर आप वॉक देखोगे तो वो इतना स्पीड से वॉक करते थे कि यंगेस्ट ऑफ द यंगेस्ट पर्सन नीड टू रन टू कि वो उनको कैच कर पाए या उनको फॉलो कर पाए। तो उनका जो स्पीड है वॉकिंग का, दैट शोज हिज इफेक्टिवनेस, वो शो करता है उनका प्यार उनके वर्क की तरफ, उनका जो उनका पैशन था, जो स्वराज पाना उनका एक कमिटमेंट दिमाग में था उसकी तरफ, उनका जो आउटकम है वो उनके वॉक में, उनके जेस्चर्स में, उनके टॉक में समझ में आता था। बिकॉज उन लोगों को अपना एक लाइफ का क्यों हम लोग जी रहे हैं वो रीजन उनको पता चल गया था, दैट इज नथिंग बट। अगर आप देखोगे, अगर आपको आपका इकिगाय पता है तो इनडायरेक्टली वो आपको सक्सेसफुल भी बनाता है, प्लस आपको पैसे भी देता है और एक स्टेट में आपको लाता है। जो अभी सबसे बड़ा फियर जो सक्सेसफुल पर्सन का ये है कि उसको कहीं मशीन रिप्लेस ना कर दे, रोबोट्स उसको रिप्लेस ना कर दे, उसकी जो स्किल है उसको मशीन से रिप्लेस ना किया जाए, ठीक है। ये आज का सबसे बड़ा फियर है एक सक्सेसफुल पर्सन का। तो वही अगर आपको आपका इकिगाय पता है तो इनडायरेक्टली यू बिकम इररिप्लेसेबल। इररिप्लेसेबल यानी क्या, एक पर्सन है जीरो ओना, वो पूरी लाइफ सुशी बनाते थे और उनका वही इकिगाय था, उनको वो पसंद था, उसमें वो स्किल थे, उसकी वजह से उनको पैसे मिलते थे और वो लोगों में चेंजेस इस तरीके के लाता था कि वहां की वो पर्सन या वहां का वो होटल उनकी वजह से फेमस था, तो इनडायरेक्टली वो उनके लिए, वो लोकैलिटी के लिए वो हेल्पफुल था। बड़े बड़े लोग वहां पे जाके उनके हाथ से खाना खाते थे और वो अपनी लाइफ लॉन्ग, वो 97 इयर्स के होने तक वो वही काम करते रहे, वो कभी उससे थके नहीं। तो अब समझे, जब आपको आपका इकिगाय पता है तो यू बिकम इररिप्लेसेबल। पर्सन लाइक मार्क, जो आज भी जैसे सबसे महंगी गाड़ी है वर्ल्ड में रोल्स रॉयस, तो उसके ऊपर आज भी वो अपने हाथों से पेंट करते। अभी इतनी फेमस कार, इतने बड़े मशीनरी एरा में आज भी उसके ऊपर कोई पर्सन अपने हाथों से पेंट कर रहा है। सो ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज इररिप्लेसेबल, क्योंकि वो उनका इकिगाय है। अभी आपको आपका इकिगाय कैसे पता चलेगा? फर्स्ट आपको उस चीज का इंट्यूशन आएगा। जैसे नहीं, कभी कभी हमको लगता है अरे ये चीज मेरे लिए राइट, ये चीज मुझे बहुत पसंद आएगी अगर मैं उसको फॉलो करूंगा। दिस इज वन काइंड ऑफ इंट्यूशन। सेकेंड इज क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी से कैसे पता चलेगा? जैसे फर्स्ट टास्क हमने किया था ग्रेटिट्यूड टू लाइफ, जिसमें हमने व्हील ऑफ लाइफ बनाया था, जिसमें हमने खुद के लिए स्कोरिंग की थी। वहां मैंने आपको बोला था कि अगर आपको आपके स्कोरिंग में चेंजेस चाहिए, आपको आगे बढ़ना है आपकी लाइफ में, तो आपको क्या करना होगा, आपको रोज सुबह उठ के खुद को एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको एक ट्रिगर देगा आपके ब्रेन को कि वो आपको एक आंसर दे, आंसर जो आपकी लाइफ के लिए सुटेबल हो, जो आपके लिए एप्लीकेबल हो, जिसके ऊपर आप वर्क कर पाओ। तो बेस्ट आंसर, जो हम लोग बोलते हैं ना, बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आपको आपकी लाइफ का इकिगाय तक पहुंचा सकते हैं, देन यू विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। इकिगाय के लिए इसीलिए आज आपको चार चीजें करनी है। आज आपका टास्क वन यही है कि आपको ये चारों जोन्स पे वर्क करना है कि व्हाट यू लव उसकी एक लिस्ट बनाइए, व्हाट यू आर गुड एट उसकी एक लिस्ट बनाइए, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर उसकी एक लिस्ट बनाइए, What the world needs इसकी एक लिस्ट बनाइए। फिर आप देखिए कि इन सब में कॉमन फ्लोटिंग चीज क्या है और उससे आप कोई चीज कर सकते हो क्या, उसकी वो एक चीज को एक काम के फॉर्मेट में, एक वर्क के फॉर्मेट में आप ढाल के उसके ऊपर वर्क कर सकते हो क्या, तो वो आप देखिए। और ये जो शीट आप बनाओगे जिसके ऊपर आप वर्क करोगे, वो कैसा भी हो रफ है, आप उसका एक पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में डालिए। दिस इज योर फर्स्ट टास्क। अभी सेकेंड टास्क क्या है? जब तक आपको आपका इकिगाय नहीं पता चलता है, तब तक आप क्या करोगे? बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन। पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड क्या करता है? हेल्प करता है हमको कॉन्सेंट्रेट करने को कि लाइफ में ऑलरेडी हमारे पास क्या है उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन व्हाट वी हैव इन आवर लाइफ एंड नॉट ऑन व्हाट वी डोंट।
यानी जो ऑलरेडी हमारे पास नहीं है उसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं करके हम लोग उसी पे फोकस करते हैं जो ऑलरेडी हमारे लाइफ में है। जो हम लोगों ने फर्स्ट इसमें सीखा था ग्रेट एटीट्यूड, फीलिंग कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो ग्रैटिट्यूड हमको हेल्प करता है टू कॉन्सेंट्रेट कि एटलीस्ट मेरे पास काम है, एटलीस्ट मैं ये स्किलफुली कर सकता हूँ। तो बी ग्रेटफुल फॉर द वर्क यू आर ऑलरेडी डूइंग। ये काम मुझे मेरी ये लाइफस्टाइल जीने के लिए मदद कर रहा है, ये काम मेरे को मेरे बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने के लिए मदद कर रहा है, ये काम मेरे जो एम्प्लॉय है उनका घर चला रहा है, ये काम की वजह से सोसाइटी में ये हेल्प हो रही है। तो ये अलग अलग चीजों से आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो अपने वर्क के लिए। सेकेंड, इफ एनीथिंग बैड हैपेंस, जैसे ये पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों ने फेस किया, इफ एनीथिंग बैड हैपेंस स्टिल बींग इन दिस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी अगर आप ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड में हो, attitude of gratitude में हो, तो it makes a difference। ये क्या करेगा, it makes you see blessing in disguise। ये आपको good things जो हम लोग बोलते हैं ना brighter side of the situation देखने में help करेगा, क्योंकि ये आपको उस तरीके से condition कर देता है कि आप अपनी बुरी situation में भी अच्छी चीजें find out करो और उसके लिए grateful feel करो। आप बार बार जब ये करते हो ना gratitude की activities या gratitude के mood में खुद को लेके जाते हो, तो indirectly you condition yourself to see the brighter side of the life। तो today be grateful for your work। एक example है Soichiro Honda का, जो है फाउंडर ऑफ होंडा कंपनी, जिन्होंने इनिशियली होंडा स्टार्ट की थी। इन्होंने अपनी लाइफ में पहले ही एक मैकेनिक थे, ये एक जगह पे काम करते थे जहाँ पे जो गाड़ियां ठीक होने आती थी, जो आगे जाके रेसिंग में जाती थी, राइट, रेस करने जाती थी, तो ये वहां पे मैकेनिक का काम करते थे। फिर उन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंड से कुछ लोन लिया, रिलेटिव से कुछ लोन लिया और उन्होंने एक पिस्टन बनाया। पिस्टन बना के उन्होंने अलग अलग जो फोर व्हीलर की कंपनी है उन्होंने उनमें दिया कि ये पिस्टन लगाने से ऑयल कंजम्पशन जो है वो व्हीकल का कम हो जाएगा, प्लस स्पीड में इफेक्टिवनेस आएगा। बट वो पिस्टन रिजेक्ट हो गया बिकॉज वो अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो जब आपको समझा एक पिस्टन बनाने में उनको इतनी लोन लेने पड़े, और जापान का वो प्लेस ऐसा था कि वहां पे वो टाइम पे एक वर्ल्ड वॉर भी हुआ, फिर वहां पे अर्थक्वेक्स भी काफी आते थे, तो उनको काफी लॉसेस फेस करने पड़े, प्लस उनके ऊपर लोन था, तो वो काफी सारे डाउन चले गए थे। दिस वॉज द ईयर 1939, ठीक है। तो तब जब उन्होंने ये सब कुछ स्टार्ट किया, तो आप सोचिए जो उनका मेन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना किसको चीज मुझे बहुत पसंद है, मैं उसके लिए पैशनेट हूँ, वो सब उनके हाथ में था, उन्होंने बना चुके थे, बट वो रिजेक्ट हो गया था। अभी अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो वो क्या करता था, वो रिजेक्शन को लेके उस चीज को छोड़ के वापस बैक टू मैकेनिक वाले वर्क पे चले जाता था, या तो फिर वो रोता था, वो ब्लेम करता था कंपनीज को। वहीं पे मिस्टर होंडा ने क्या किया, उन्होंने दूसरी अपॉर्चुनिटी को सर्च आउट किया। उन्होंने पिस्टन के थॉट को वैसा ही रहने दिया, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, बट started seeing at different opportunities, क्योंकि वो need of the time थी, उनको पैसे चाहिए थे, वो already bankrupt थे, already loan में थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा बहुत सारे लोग साइकिल से ट्रेवल करते थे, जब वो पैडल करते थे तो वो थक जाते थे, तो यही उन्होंने चेंज करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक छोटा सा मशीन बनाया जो अगर साइकिल पे फिट होता है तो आपको पैडल करने की जरूरत नहीं है, आपकी साइकिल अपने आप चलेगी। तो ही फिटेड अ मोटर ऑन द साइकिल, जो आप ये सामने साइकिल देख रहे हो, दिस इज द फर्स्ट थिंग, जैसे वो मोटर फिट होने के बाद साइकिल कुछ इस तरीके की दिखती थी, तो उन्होंने ये फर्स्ट थिंग बनाया। तो जब उनका ये एक साइकिल चलने लगा, बहुत सारे लोग और भी आए जो अपनी साइकिल के ऊपर ऐसी मोटर लगा के गए, देन ही रियलाइज्ड कि दिस इज द नीड ऑफ टाइम। तो उन्होंने क्या किया, ये मोटर के बारे में बहुत सारे साइकिल कंपनीज को लिखा कि मेरे पास ऐसी एक मोटर है जो अगर मैं फिट करूँ तो साइकिल का इफेक्टिवनेस इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो बहुत सारी कंपनी, उसमें से इंडिया की एक कंपनी थी हीरो, जिन्होंने ये चीज को एक्सेप्ट किया। और आपको अगर याद होगा तो पहला जो बाइक इंडिया में था दैट वॉज हीरो होंडा, यानी होंडा जो पर्सन थे उनका होंडा नाम था और हीरो साइकिल की कंपनी था, तो दोनों का मिक्सचर मिला के एक बाइक क्रिएट हुई, दैट वाज हीरो होंडा। सो दिस वाज द बाइक क्रिएटेड। तो आप सोचिए जब ये रन करने लगी इन द टू व्हीलर फॉर्म, जो होंडा का पहले का जो ड्रीम था, पिस्टन का ड्रीम जो फोर व्हीलर में फिट होना था, वो कहीं पे उन्होंने साइड में रख के ही वर्कड ऑन दिस टू व्हीलर कंपनीज में, और तब जाके उनकी कंपनी इन 1964 वाज द वर्ल्ड फर्स्ट रैंकिंग कंपनी इन द टू व्हीलर जोन। तो आप सोचिए उन्होंने कितना बड़ा लीप लिया फ्रॉम 1939 टू 1964। उसके बाद अगर आप देखोगे, अभी जब उनका ये सक्सेस रेट आगे आ गया, फिर उन्होंने क्या किया, वही पैसों को लेके खुद कार बनाई। और अभी अगर आप रिकॉर्ड देखोगे,
तीन में से एक कार होंडा की पर्सन चलाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इतनी फेमस वो कंपनी हो गई है और इतने उन्होंने अपने इस तरीके से उन्होंने अपना ड्रीम को आगे लाया, इस तरीके से उन्होंने अपने वर्क को आगे लाया. तो रादर देन सिटिंग ऑन द फेलियर ही ट्राइड टू सीक आउट अपॉर्चुनिटीज, और जब उन्होंने उस पर काम किया तो उनको सक्सेस मिली और उन्होंने अपने ड्रीम को भी पूरा किया. दिस इज द वे यू गो थ्रू. दिस इज समटाइम्स आपको अगर आपका नहीं पता है इकिगाय, अगर पता भी है और कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिले तो डोंट स्टॉप. Be grateful and work upon different opportunities you get in your ways. Similarly, ये एक lady है Lisa Ryan. एक time था जैसे अभी COVID की situation में काफी सारे लोगों ने recession face किया, काफी सारे लोगों के jobs चले गए, काफी सारे लोगों ने अलग अलग financial situations को face किया. वैसे similar ये एक lady है, she is now a motivational speaker. वो famous movie Gratitude Experiment और Keepers of the Key में भी उन्होंने अपना notation दिया है. Similarly, उनकी book है Gratitude Week या 30 डेज ऑफ ग्रेटिट्यूड चैलेंज, और वो बहुत फेमस स्पीकर है. वो अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अपनी स्पीचेस को देती है, लोगों को ट्रेन करती है. तो लीजा रायन जो लेडी थी, जो अपनी पीक में, यानी वो एक बहुत बड़ी कंपनी की एचआर मैनेजर थी, एट दैट टाइम जब रिसेशन आया तभी लोग बहुत सारे कॉल्स करते थे कि हमको हमारे पैसे मिलेंगे या नहीं, हमारे पैसों का क्या होगा, हम कब मिलेंगे, या लॉस होगा या क्या होगा. तो वो कॉल्स अटेंड कर करके शी गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड. एंड एक पीक जब तुम एक बहुत हायर पोजीशन में हो कोई कंपनी में, यू आर एचआर, और उसके बाद जब अप्रिसिएशन के टाइम में उन्होंने थॉट दिया कि नाउ दिस इज द टाइम आई नीड टू लीव दिस जॉब बिकॉज ये मेरे को एक पीस ऑफ माइंड नहीं दे रहा है. तो अगर आप ऐसा एक थॉट देते हो, दिस इज अ वेरी बिग डिसीजन. तो वो टाइम पे जैसे उनकी एक हैबिट थी, शी यूज टू राइट ग्रैटिट्यूड लिस्ट. जैसे मैं हमारे मेरे पहले टास्क में, पहले के जो मेरे ग्रैटिट्यूड लेक्चर्स हुए हैं उसके, या हमारे ग्रुप्स हुए हैं उनमें, मैं फर्स्ट डे से लोगों को लिखवाती थी राइट 10 ग्रैटिट्यूड चीजें रोज, ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स वॉट एवर यू फील इन दैट पर्टिकुलर डे. तो आप वो जब लिस्ट बनाते हो तो इवन शी यूज टू मेक दैट पर्टिकुलर लिस्ट रोज, वो लिस्ट लिखती थी. तो आपको जैसे मैंने बोला, इफ यू आर इन टू दिस ग्रैटिट्यूड जोन, आपको आदत है ना, तो आप क्या करोगे, आप ब्राइटर साइड ऑफ सिचुएशन को देखोगे. और उसने क्या किया, उसने ये डिस्गस्टिंग सिचुएशन में एक ब्लेसिंग्स देखी. ब्लेसिंग्स यानी क्या, उसने अपने गोल लिस्ट को देखा, उसमें उसने चेकआउट किया, यस आई वॉन्ट टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, ये मैंने एक टाइम पे लिखा हुआ था, आई वॉन्ट, इट्स माई ड्रीम. तो दिस इज द टाइम, दिस इज द राइट टाइम कि ये जॉब मैं छोड़ के आई गो इन टू दिस फील्ड. और उन्होंने वो टाइम से स्पीचेस देना शुरू किया एंड नाउ शी इज सो वेरी फेमस. आप सोचिए कि दिस इज द वे ग्रैटिट्यूड वर्क्स अपॉन यू. आप अगर अपने आपको वही जोन में रखते हो तो आपको बहुत सारे स्कोप्स, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है. यू सी द ब्राइटर साइड ऑफ द सिचुएशन. अगर आप ग्रेटफुल फील करते हो अपने वर्क के लिए, इनडायरेक्टली क्या होगा, आप अपने वर्क को और ज्यादा देने की कोशिश करोगे. ज्यादा यानी क्या, आपका परफॉर्मेंस 100% हो जाएगा. परफॉर्मेंस 100% होगा तो आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे और आप सक्सेसफुल होगी. इतनी सी छोटी सी बात होगी. और वही अगर यू आर नॉट हैप्पी विथ योर वर्क तो क्या होगा, इनडायरेक्टली आप अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दोगे. आप अपने काम को कभी ज्यादा दे ही नहीं पाओगे क्योंकि आप उसको ज्यादा समझते ही नहीं हो. देन आपको उसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा, आपको प्रॉफिट कम आएंगे, आपको पैसे कम मिलेंगे, इनडायरेक्टली यू विल वोंट बी सक्सेसफुल. आप एक फ्रस्ट्रेशन जोन में जाओगे. फ्रस्ट्रेशन में आप क्या करते हो, आप एक तो सिचुएशन को ब्लेम करते हो, आप वो जॉब को ब्लेम करते हो, आप लोगों को ब्लेम करते हो, इनडायरेक्टली आप खुद के ऊपर एक निगेटिव इम्पैक्ट लाते हो. अभी आपने बहुत बार देखा होगा, दो लोग हैं, दो लोग सेम चीज पे वर्क कर रहे हैं. एक पर्सन अगर ग्रैटिट्यूड के एटीट्यूड से वर्क करता है और दूसरा ये अनहैप्पीनेस के एटीट्यूड से वर्क करता है, तो हमेशा आउटकम तो अलग ही आएगा. तो अपने आप से सक्सेस रेट भी अलग होगा. तो आप देखते हो एक पर्सन बहुत सक्सेसफुल है और दूसरा नहीं है. नाउ यू नो द रीजन कि वाई दे दैट पर्सन वॉज नॉट सक्सेसफुल एंड दिस वॉज. तो आपको क्या करना है, टूडे यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर द वर्क यू आर ऑलरेडी डूइंग. भले आप हाउस मेकर हो, भले आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, भले आपका कोई बिजनेस है, या आप कई जगह पे खुद एम्प्लॉय हो, तो बी ग्रेटफुल फॉर योर वर्क. और अपने आप से आपको उसमें इफेक्टिवनेस और रिजल्ट्स आपको आएंगे. सो टूडे बी ग्रेटफुल फॉर योर वर्क यू आर ऑलरेडी डूइंग. उसकी उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट, सेकंड पार्ट ऑफ द चैलेंज इज यू हैव टू राइट अ लव लेटर टू योर वर्क. अभी लव लेटर हम किसको लिखते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, राइट. अगर आपने किसी का लव लेटर पढ़ा हो या आपने खुद लव लेटर लिखा हो तो आपने देखा होगा, या आप किसी पर्सन को जाके मिलिए जिनकी लव मैरिज हुई,
या जो पुराने लोग थे जब वो टाइम पे फोन नहीं थे तो ये वो जब शादी फिक्स होती थी तो एक दूसरे को कॉन्टेक्ट इस फॉर्म में करते थे, दे यूज टू राइट अ लव लेटर. तो अगर आप उनके वो लव लेटर्स के बारे में बात छेड़ोगे ना तो दे शो यू अ बॉक्स बॉक्स ऑफ ट्रेजर ट्रेजर ऑफ देयर लव लेटर्स. और आप वो आपको एक एक सिचुएशन वो लेटर के साथ बता सकते हैं कि ये लेटर आप उन तक पहुंचा कैसे, फिर उसके रिलेटेड कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किस सिचुएशन में उन्होंने वो लेटर पढ़ा, उन्होंने रिएक्ट कैसे किया. दे हैव देयर स्टोरी अ मेमोरी अराउंड इट. जैसे मैं बोलती हूँ व्हेन यू टेल देम यू अप्रिशिएट देम, यानी अगर आप कोई चीज को ग्रैटिट्यूड देते हो तो आप इनडायरेक्टली उसको अप्रिशिएट करते हो. और आप क्या करते हो, आप एक मेमोरी क्रिएट करते हो. जैसे मैंने आपको ये लेटर के बारे में बोला, और अगर आप कोई चीज को लिखते हो तो वो आपके लिए एक ट्रेजर बन जाता है. तो सिमिलरली टुडे इज द डे टू क्रिएट ट्रेजर फॉर योर वर्क, राइट अ लव लेटर टू योर वर्क. अभी लव लेटर में हम लोग क्या क्या करते हैं, हम सामने वाले को अप्रिशिएट करते हैं, हम सामने वाले को प्रोमिसेस करते हैं कि हम उनके लिए क्या क्या करने वाले हैं, हम सामने वाले को ये फील करवाते हैं कि उनकी वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, हम सामने वाले को वो मोमेंट्स याद दिलाते हैं कि कब आप उनसे मिले, कब आपने क्या किया, कब उन लोगों ने आपके लिए क्या किया है. सो एक वे है एक्सचेंज का, इमोशंस का. सो टुडे इज द डे टू राइट लव लेटर टू योर वर्क. तो आप एक टाइम लीजिए, एक 10-15 मिनट्स आपको लगेंगे, फील अबाउट योर वर्क, राइट समथिंग अबाउट योर वर्क, और वो लेटर को आप ग्रुप में जरूर पोस्ट करना. थर्ड पार्ट ऑफ द चैलेंज इज मैजिक टच टू योर वर्क. अभी जैसे हम लोगों ने कल किया था ग्रैटिट्यूड टू योर हेल्थ, जिसमें आपने देखा था कि 11 सिस्टम्स आपके बॉडी में वर्क कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, कोई शोर भी नहीं मचा रहे, एंड दे आर वर्किंग टू कीप यू हेल्दी सिंस योर बर्थ. तो आप सोचिए सिमिलरली एट योर वर्क बहुत सारी इक्विपमेंट्स आपके आजू बाजू है, बहुत सारे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, फ्रॉम द लैपटॉप टू द प्रिंटर टू द ग्लास टू द पेन, है ना, सब चीजें इन्वॉल्व है कि जो आपका वर्क परफेक्ट बनाने के लिए आपको हेल्प करेगी. जैसे अगर आपने स्टोरी सुनी होगी राजा मिदास की, राजा मिदास वॉज द पर्सन की उनको एक हम लोग जो मिलते हैं ना एक बोन मिला था, एक अवसर मिला था कि वो जिसको भी हाथ लगाएंगे वो सोने में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. तो वैसा ही बोन आपको आज मिला है, तो वैसा ही वरदान आपको आज मिला है कि आप जिसको भी टच करोगे ना तो वो एक वाइब्रेशन आपको देगा ग्रैटिट्यूड का, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट करेगा. सो हैव दैट मैजिकल टच टूडे. और आपकी जो भी वर्क प्लेस है, भले आप हाउस मेकर हो तो आपके लिए वर्क प्लेस आपका घर, आपके किचन, आपके बच्चों की सारी चीजें हो सकती है. अगर आप ऑफिस में काम कर सकते हो तो ऑफिस की सारी चीजें हो सकती है. तो आप जिस भी चीज को आज टच करते हो तो एक मोमेंट लीजिए टू फील ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग, कि वो आपको हेल्प करिए आपके काम को परफेक्ट बनाने के लिए. सो हैव दैट मैजिक टच ऑन योर वर्क टूडे. आपका भले डेस्क कुछ इस तरीके का हो या कुछ इस तरीके का हो, सो फील ग्रैटिट्यूड टू एवरीथिंग यू आर टचिंग टूडे. टेक अ मोमेंट, फील ग्रैटिट्यूड. उससे क्या होता है, जैसे रेडियो की एक फ्रीक्वेंसी रहती है, राइट, कि अगर आप उसको ट्यून इन करोगे तो आपको वो सॉन्ग सुनने मिलेंगे. सिमिलरली अगर आप अपने घर में एक एक चीज को जब हाथ लगा रहे हो या ऑफिस में एक एक चीज को आप हाथ लगा रहे हो, आप उनको ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप वो जोन उस वाइब्रेशन का बना रहे हो, आप उस जोन को हैप्पीनेस के एक फीलिंग से भर रहे हो. अगर आपने स्वामी विवेकानंद का एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, उनमें एक शिकागो में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था टू प्रूव कि जो नॉन लिविंग थिंग्स रहती है उनमें भी एक लाइफ फोर्स रहता है, एक इंट्यूशन, एक समझ रहती है, ठीक है, तो उन्होंने एक इंटेलिजेंस रहता है, सॉरी. तो फिर उन्होंने क्या किया, एक आयन रॉड को रखा, उनको इलेक्ट्रोड से जोड़ रहा ताकि उनके जो एटम्स का जो चेंज है वो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो. तो उन्होंने क्या किया, जब वो आयन रॉड को एक इलेक्ट्रोड से जोड़ा जिससे आप आयन्स के मूवमेंट को देख सको, तो उन्होंने क्या किया, एक तलवार निकाली और वो आयन रॉड पे बैंग करने की ट्राई की, और जैसे ही वो आयन रॉड तक वो तलवार आई वो रुक गए, उन्होंने वो आयन रॉड को बैंग नहीं किया, बट फिर भी आयन रॉड के जो एटम थे वो विजिबल हुए कि वो सारे एटम्स वो पर्टिकुलर जो पोजिशन जहाँ पे वो स्वॉर्ड लगने वाली थी, तलवार लगने वाली थी, वहां से वो लोग सेपरेट हो गए. आप सोचिए आयन रॉड में भी इतना इंटेलिजेंस है, मतलब उसमें भी एक लिविंग फोर्स है, जो स्वामी विवेकानंद ने उस टाइम पे प्रूव की कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी एक टाइप का इंटेलिजेंस है. तो आप सोचिए जब आप अपनी सराउंडिंग में, वर्क प्लेस में सारी चीजों को ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, जैसे हम लोगों ने वॉटर क्रिस्टल में चेंजेस देखे, फूड में चेंजेस देखे, आपने अगर वो टास्क किया होगा तो आपने खुद भी वो फील किया होगा कि टेस्ट में चेंज आया है, उसके जो आप खाते हो उसके बाद जो आपकी फीलिंग है उसमें चेंजेस आए हैं. जैसे हम खाते हैं वैसे ही हम लोग बनते हैं,
राइट right? तो वैसे ही जैसे आप अपने ये एनवायरनमेंट की छोटी छोटी चीजों को हाथ लगा के ग्रेटिट्यूड देते हो, तो इनडायरेक्टली आप वो पूरे जोन के ही वाइब्रेशन चेंज कर रहे हो एंड यू आर ट्यूनिंग योर सेल्फ टू द हायर, जो हम लोग बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटीज, यू आर ट्यूनिंग योर सेल्फ टू हायर सक्सेस. तो आज ये आपको टास्क करना है मैजिक टच का एट योर वर्क प्लेस. डू एंजॉय इट. आप ऐसे भी एंजॉय कर सकते हो बाय जस्ट टचिंग एंड फीलिंग मन के मन में थैंक यू बोल के, या तो आप कुछ इस तरीके के भी वे से एंजॉय कर सकते हो. और जब आप एंजॉय करो तो आस्क समवन टू क्लिक योर फोटो या आप एक सेल्फी निकाल के ग्रुप में जरूर डालना. आई एक्सपेक्ट इवन दिस काइंड ऑफ फोटोज अगर आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हो आपके वर्क प्लेस को. तो देन फोर्थ पार्ट ऑफ आवर चैलेंज इज ग्रेटिट्यूड टू योर एम्प्लॉय. देखिए हर पर्सन का एक एफर्ट आपके लिए काउंट करता है टू मेक यू सक्सेसफुल. सिमिलरली एक बुक है डेल कार्नेगी की, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. ये बहुत पुरानी बुक है, इसपे से बहुत सारे लोगों ने अपने स्पीचेस बनाए, बहुत सारे लोग ये पढ़ के मोटिवेशनल स्पीकर बने. आप सोचिए वो बुक कितनी इफेक्टिव है. तो उसमें अलग अलग तरीके लिखे हैं कि आप सक्सेसफुल कैसे बन सकते हो, आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हो. तो उसमें छोटा सा पॉइंट था कि आप एक जो आपके लोग हैं, आपके अंडर जो काम करते हैं, आपके एम्प्लॉय है, जो आपके सबऑर्डिनेट है, जो आपके घर पे जो मेड्स काम करती है, या जो आपके इवन आपके बच्चे आपके सामने जो काम कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, फोकस ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर एम्प्लॉय. यानी जो जो वो चीजें पॉजिटिव करते हैं, अच्छी चीजें करते हैं, ट्राई खुद को एक हैबिट कीजिए, खुद को एक कंडीशन कीजिए. क्या है ना, हमको एक कंडीशन अपब्रिंगिंग ऐसी मिली है कि हम लोगों को नेगेटिव चीजें ज्यादा देखने की आदत है. तो आज से खुद को एक कंडीशन कीजिए टू फोकस ऑन पॉजिटिव, अच्छी चीजों पे फोकस करने के लिए ट्राई कीजिए, खुद को ट्रेन कीजिए, खुद को कंडीशन कीजिए. When you tell them, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, अगर आप उनको अप्रिशिएट करते हो, आप उनको ग्रेटिट्यूड देते हो, तो एक टाइप से आप उनको अप्रिशिएट करते हो और आप उनके लिए एक लाइफ टाइम की एक मेमोरी क्रिएट कर देते हो जो उनके लिए लाइफ लॉन्ग एक ट्रेजर के हिसाब से रहेगी. एक साइकोलॉजी में एक रिसर्च की थी एम्प्लॉयज के ऊपर कि उनको एग्जैक्टली उनके बॉस से क्या चाहिए. तो ये रिसर्च का रिजल्ट जब बॉस से पूछा गया कि आपको क्या लगता है इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो बॉस ने बोला कि प्रोबेबली इनको हमसे ज्यादा सैलरी चाहिए होगी, या जो वर्किंग टाइम है वो कम चाहिए होगी, या ब्रेक्स ज्यादा चाहिए होगी, हॉलीडेज ज्यादा चाहिए होगी, उनको वर्किंग स्पेस ज्यादा चाहिए होगी, कैफेटेरिया में प्रोडक्ट्स ज्यादा चाहिए होगी. बट उसका रिजल्ट इतना एस्टोनिशिंग और डिफरेंट था. सारे एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही सबसे ज्यादा चीज चाहिए थी अपने बॉस से, वो थी रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट आप किस फॉर्म में उनको बहुत अच्छे से दे सकते हो, दैट इज बाय अप्रिशिएटिंग देम. उनके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके आप उनको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दे सकते हो. तो आज आपका डे है उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का. देखिए, व्हाट गेट रिकग्नाइज्ड गेट रिपीटेड, ये एक रूल है. अगर आप कोई भी ट्रेनिंग फील्ड में जाते हो, कोई भी ये एम्प्लॉय ट्रेनिंग चीजों में जाते हो, तो आपको ये रूल बार बार सुनने मिलेगा कि आप जो भी चीज को रिकग्नाइज करोगे वो आपके वर्किंग प्लेस पे रिपीट होगी. फिर भले ही आप बुरी चीजों को रिकग्नाइज करो तो बुरी चीजें रिपीट, आप अच्छी चीजों को रिकॉग्नाइज करोगे तो अच्छी चीजें रिपीट होगी, और अगर अच्छी चीजें रिपीट होगी तो अपने आप से आपको उसके रिजल्ट दिखेंगे, आपके सक्सेस रेट, राइट, प्रॉफिट्स में, पैसों में. तो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, स्टार्ट सीइंग द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर एम्प्लॉय, स्टार्ट एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड और उनके लिए कुछ ऐसे हैप्पी मोमेंट्स बनाइए. तो टुडे इज द डे टू गिव ग्रैटिट्यूड टू योर एम्प्लॉय. बहुत सारी जगहों पे ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, उनके लिए मॉप डांसेस होते हैं, उनको एक स्टिकर्स मिलते हैं कि किसने ज्यादा सेल किया, एम्प्लॉय ऑफ द वीक है ना, टारगेट अचीव ऑफ द वीक. तो अलग अलग पर्सन को अलग अलग गिफ्ट देना, अलग अलग वे से अप्रिशिएट करना, ये ऑलरेडी बहुत सारे प्लेसेस पे स्टार्ट किया है. अगर आपके प्लेस पे स्टार्ट नहीं है तो डू स्टार्ट इट, इट विल रियली गिव अ न्यू बर्थ टू योर वर्क प्लेस. देखिए, 5 मिनट्स ऑफ एंगर 6 घंटे की वर्क इफेक्टिवनेस को कम करता है. सिमिलरली अगर आप कंपैशन, एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड किसी को देते हो, तो उनकी 6 घंटे की इफेक्टिवनेस अपने आप से बढ़ जाती है. तो इनडायरेक्टली आप उनको ग्रैटिट्यूड देके उनके लिए कोई हम लोग जो बोलते हैं ना दया, या ये नहीं कर रहे हो, बट आप अपने ही वर्क प्लेस को और ज्यादा हेल्दी, हैप्पी बना रहे हो, और ज्यादा इफेक्टिव बना रहे हो. उसका रिजल्ट आपको अपनी ही सक्सेस में दिखाई देगा. तो आप ऐसे कोटेशंस या अफर्मेशंस भी अपने वर्क प्लेस पे लगा के उसको एक हैप्पी जोन बना सकते हो. सो दिस वॉज आर चैलेंज 5. फर्स्ट आपको आपका इकिगाई फाइंड करना है, उसके इमेज को पेस्ट करना है. सेकेंड इज राइटिंग अ लव लेटर टू योर वर्क एंड पोस्ट द पिक्चर ऑफ इट इन द ग्रुप.
थर्ड आप मैजिक टच करना है एट योर वर्क प्लेस, आप अपनी वर्क प्लेस का एक अच्छा फोटोग्राफ भी डाल सकते हो. फोर्थ इज एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू योर एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट एंड टेक अ पिक्चर विद देम एंड पोस्ट इट इन द ग्रुप. सो दिस इज योर चैलेंज 5 ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स वर्क. सो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप कि आप लोग सारे एंजॉय कर रहे हो एंड दैट आई कैन सी विद योर ऑल द पिक्चर्स इन द कम्युनिटी. आई एम रियली एंजॉयिंग टू सी ऑल योर पिक्चर्स इन द कम्युनिटी पेज ऑफ आर फेसबुक. सो आई होप कि आप ये भी वाला टास्क एंजॉय करो और मुझे बहुत सारे आपकी पिक्चर्स देखने मिले. सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. दिस वॉज योर चैलेंज 5 ऑफ 11 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज. मीट यू टुमारो ऑन द 6th चैलेंज. थैंक यू सो मच. Thank you.